हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की ये धमाकेदार कॉमिक्स मारा मारी। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का तीसरा और अंतिम भाग। सामने नजर आया वो बच्चा। अरे बेटा जरा सुन तो, देख इस हाथी ने मुझे जकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा। कहीं से गन्ने मिले तो ले आ, गन्ने देखकर ये मुझे छोड़ देगा। गन्ने ना मिले तो देख चींटी की बांबी जरूर मिल जाएगी। बांबी में से चींटियां लाकर इस नामुराद की सूंड में छोड़ दे, तभी छोड़ेगा ये मुझे। जा बेटा जा, अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे खूब सारे फल खाने को दूंगा। पर बेचारे कोबी को नहीं मालूम था कि वो बच्चा उसके लिए शैतान का अवतार बनकर आया था। आ अबे ये क्या उड़ा दिया मेरी आंखों में, ये तो मिर्ची है। आ और ये क्या, मेरी कमर पट्टी का क्यों पकड़ ली तूने? क्या कर रहा है छोकरे? कोबी ने घुमा दी लात। शैतान छोकरे, मेरी कमर पट्टी का खोल रहा है तू। धाड़। आ समझ गया, ये साजिश मेरी कमर पट्टिका को प्राप्त करने की है और दुश्मन भी आसपास छिपे होंगे। पहले तो इस हाथी से छुटकारा पाना होगा। इसे वैसे खींचता हूं जैसे हल में जुता बैल हल को खींचता है। इसकी पकड़ ढीली हो रही है। अब अपनी पूंछ को इसकी गर्दन से जकड़कर घोंट देता हूं इसका दम। अब देखता हूं कि मुझे कैसे नहीं छोड़ेगा ये। तब तक आंखें खोलने में सफल हो गया कोबी। कोबी को छोड़ना अब हाथी को भारी पड़ा। धाड़। क्यों बे, कोबी पर अपनी दादागिरी दिखा रहा था और तू काले छोकरे मेरी कमर पट्टी का उतार रहा था तू। मैं समझ गया, तू उन्हीं हमलावर नकाब पोशों की औलाद है। अब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो हमलावर है कौन। और अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन मूली की तरह तोड़ डालूंगा। बता जल्दी। आ ये तुझे मैं बताऊंगा कोबी। भेड़िया तू? हाँ मैं। तेरे खूनी हाथ अब बच्चों की गर्दनें भी दबाने लगे नरबक्सी। धाड़। मासूम बच्चों के जिस्म उधेड़ते वक्त तेरा कलेजा भी नहीं कांपता है? ऐसे बच्चों को तो उल्टा टांग दूंगा। ये दुश्मन बच्चा है भेड़िया, छोड़ दे मुझे। इस वक्त मैं उस बच्चे से जरूरी सवाल पूछ रहा हूं, जो पूछना है मुझसे पूछ कमीने। देख इस वक्त मेरा दिमाग खराब है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। मुझे लड़ने पर मजबूर मत कर। कोबी उठ पाता उससे पहले ही कई हाथ उसकी कमर पट्टिका पर झपट पड़े। ओहो नकाबपोश दुश्मन, ये सब मेरी कमर पट्टी का छीनना चाहते हैं। चौंक पड़ा था भेड़िया भी। हिलना मत, इस शैतान की मदद करने की कोशिश मत करना भेड़िया। कौन है ये लोग? ये लोग कोबी की कमर पट्टी का क्यों छीनना चाहते हैं? मगर कोबी से कमर पट्टी का छीनना बच्चे के खिलौने छीनने जितना आसान नहीं था। धाड़ धाड़ धाड़। दो बार तुम सफल हो गए मगर इस बार कोबी सफल होगा अपनी कमर पेटी का बचाने में भी, तुमसे अपना कंठहार और कड़े वापस लेने में भी। हाथी की जबरदस्त टक्कर से कोबी भी गिर पड़ा। तड़ाक। उफ चुपचाप खड़े रहो भेड़िया, हम जो कुछ कर रहे हैं जंगल की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये हाथी तो मैंने मर्दा जाति में देखा था। तुम मर्दा जाति के लोग हो। हाथी पर चढ़ा व्यक्ति मसाबा का पिता चोकर है। तुमने पहचान लिया भेड़िया, ये सच है। और ये भी सच है कि हम अकारण ही कोबी पर हमला नहीं कर रहे, पर तुम उसके आभूषणों के पीछे क्यों पड़े हो? शायद तुम उसे शक्ति विहीन करके मारना चाहते हो। वो कोई जवाब देता मगर तभी कोबी की हरकत से गूंजी चीखों की तरफ सबका ध्यान केंद्रित हो गया। उफ आ ओह, कोबी ने हाथी को उन लोगों पर धकेल दिया है। तुम उससे पार नहीं पा सकते। कोबी ने महावत का नकाब खींच दिया। ओहो तुम तो मसाबा के आबा हो। इसका मतलब ये सारे लोग मर्दा जाति के हैं, सबके सब मेरे दुश्मन। इसका मतलब मेरे बाकी आभूषण तुम लोगों के पास है। मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर होंगे, तुम्हारे कबीले में, तुम्हारे सरदार के पास। हम्म। कोबी ने चोकर को उठाकर भीड़ वे भेड़िया पर फेंका। खबरदार, कोई मेरे पीछे आया तो। ये मसाबा के कबीले के ना होते तो अभी
बिछा देता सबको। उसे पकड़ो, वो हमारे कबीले में न जाने पाए वरना अनर्थ कर देगा। अगर उसने कुछ अनाप शनाप हरकत करने की कोशिश की तो आज मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कोबी को नजर आए भेड़िए, हराम खोरो, रोको उन्हें, तुम मेरा कोई कहना नहीं मान रहे। कमाल है, एक भी अपनी जगह से नहीं हिला। इन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। पहले कंठहार और कड़े प्राप्त करना जरूरी है। एक बार सरदार की गर्दन हाथ में आ जाए, इनमें से कोई भी चू तक नहीं करेगा। सीधे जाकर सरदार का टेटुआ दबा दूंगा। सरदार पांगी को मेरे आभूषण लौटाने ही होंगे। तुम्हारा सरदार कहाँ है, जल्दी बता। उसे छोड़ दे कोबी, मैं यहां हूं। मैं तुझे ढूंढता हुआ ही यहां आया हूं। तुम्हारे आदमियों ने मेरे आभूषण छीने हैं। कहाँ है मेरे आभूषण, लौटाओ उन्हें वरना अच्छा नहीं होगा। शैतान, दुष्ट कोबी, यहां तुझे सिर्फ मृत्यु मिलेगी। अरे, मेरी पूंछ में आग लगा दी, ये क्या कर रही हो? ये जल गया तो इसकी कमर पट्टिका भी जल जाएगी, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। पानी, पानी कहाँ है? कोबी ने पूंछ को पानी के ड्रम में डालकर आग बुझाई। बाप रे, सारी पूंछ जल जाती तो। खतरा अभी टला नहीं था। हत्यारे, बेरहम, हम तुझे जिंदा जला देंगी। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत मुझे जैन ने समझाई थी, जिसका अर्थ होता है चोरी और सीना जोरी। एक तो तुम्हारे कबीले वालों ने मेरे दिव्य आभूषण छीन लिए, उस पर अब मुझे ही जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अगर मैं चुप हूं तो सिर्फ उस प्यारी सी बच्ची मसाबा की खातिर, जिससे मुझे प्यार हो गया है। अगर ये उसका कबीला ना होता तो मैं इसी पूंछ से तुम्हारा कबीला जलाकर राख कर देता। पर मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सरदार पांगी, चुपचाप मेरे आभूषण मुझे लौटा दो। उसी पल भारी शोर मचाते वहां आ पहुंचे चोकर, भेड़िया व अन्य जंगली। खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो इस हत्यारे को। इन्हें रोक लो सरदार पांगी, क्योंकि अगर मैंने यहां मारा मारी की तो मसाबा नाराज हो जाएगी। वो मुझसे खेलने कभी नहीं आएगी, और अब मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता। कब से उसे देखने के लिए बेचैन हूं। कोबी की बातें सुनकर खटक गया था सरदार पांगी का दिमाग। ठहरो, रुक जाओ, कोई कोबी पर हाथ ना उठाए। लेकिन सरदार, चोकर को थमना पड़ा। कोबी, जानते हो तुम्हारे आभूषण कहाँ हैं? मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे पास है। नहीं, वो मेरे पास नहीं है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वो कहाँ है। ये रहे तुम्हारे आभूषण। अरे, मसाबा? ये तो मसाबा है, मेरी मसाबा। कब से देखने को तरस रहा था मैं इसे। जैसे आभूषणों की बात, वो तो बिल्कुल ही भूल गया। मसाबा, अरे ओ मसाबा, देख कोबी आ गया। उठ, मैं तो तेरा रोजाना इंतजार करता था, तू आई क्यों नहीं मुझसे खेलने? मत छू शैतान, मत छू मेरी बच्ची को, इसका यह हाल तेरे कारण हुआ है। धाड़! ये बेहोश है, घायल है, बुरी तरह जिंदगी और मौत के बीच पड़ी झूल रही है। तूने नोच डाला मेरी मसाबा को, तूने मौत के दरवाजे पर ले जा पटका इस मासूम को। अब हाथ मत लगाना उसे, वरना चीर डालूंगा तुझे। बेहोश, घायल, मेरे कारण मैंने नोच डाला? ये तुम क्या कह रहे हो सरदार पांकी? ये आदमी जरूर पागल हो गया है। मसाबा बेहोश है, घायल है, जिंदगी और मौत के बीच पड़ी है। नहीं, ये झूठ है। ओहो, तो इसलिए नहीं आई थी मुझसे मिलने। मसाबा, उठ मसाबा, क्योंकि तू ही अपने आबा को ये बता सकती है कि तेरे साथ जो हुआ वो मैंने नहीं किया। मुझे भी तो उस दरिंदे का नाम बता जिसने तेरा ये हाल किया। उठ मसाबा, उठ, बता। उसका जिस्म नोच डालूंगा, बोटी बोटी कर चील कौवों को खिला दूंगा। कोबी कुछ भी कर सकता है, पर झूठ नहीं बोल सकता। मसाबा को इसने घायल नहीं किया, लेकिन सरदार, कोबी के आभूषण चुराकर मसाबा को पहनाने का क्या कारण है? क्योंकि चोकर ने मसाबा को इसने घायल नहीं किया, लेकिन सरदार, कोबी के आभूषण चुराकर मसाबा को पहनाने का क्या कारण है? क्योंकि चोकर ने
कोबी के जख्म भरते देखे थे और कोबी को ये कहते सुना भी था कि उसके आभूषणों में उसके जख्मों को भरने की ताकत है। हाँ, अपनी मासूम बेटी मसाबा की जिंदगी बचाने का अब हमारे पास यही एक रास्ता था कि हम कोबी के आभूषण उससे छीनकर मसाबा को पहना दे ताकि वो ठीक हो जाए। ओहो, तो इसलिए चाहिए थी तुम्हें मेरी कमर पट्टी का भी। अरे, इसके लिए ये कमर पट्टी का तो क्या अपनी जान भी दे दूँ? ये लो चोकर, बांध दो इसे मसाबा की कमर पर। कोबी, तुम जल्दी करो चोकर, जल्दी करो, देर ना हो जाए। चोकर ने झपट कर थाम ली कोबी की कमर पट्टी का और अब अच्छी हो जाएगी मसाबा, इसे अच्छी होना ही पड़ेगा, कोबी इतना भावनात्मक भी है। चमत्कारी ढंग से होश में आ गई मसाबा। कोबी, ये मुझे पुकार रही है। मसाबा, मैं यही हूँ तेरे सामने, आंखें खोल और बता मुझे कि तुझे किसने मारा। कोबी, वो, हाँ हाँ बता मसाबा। आबा, वो, तेज कोलाहल उठा, मारो मारो, राख कर दो कबीले को, जला डालो। सरदार, सरदार खंकट के नेतृत्व में कोला जंगलियों ने आकर हमला कर दिया है, वो भारी संख्या में है। चीख कर उठ बैठी मसाबा। कोबी, उसका नाम भी खंकट था, वो कह रहा था कि मुझे मारकर हमारे कबीले का वंश मिटा देगा, उसने मुझे अपने पालतू भालू से नुचवाया था। कोबी, खंकट अब जिंदा नहीं रहेगा। कोबी ने हुंकार भरी, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ मेरे भेड़ियों, नहीं मैं खून खराबा नहीं चाहता। अरे, इस बार तो ये आ गए, वुफ ग्र, टूट पड़ो कोला जंगलियों पर, भभोर डालो इन्हें, वुफ ग्र। कोबी के खूंखार भेड़ियों ने कोला जंगलियों में अफरा तफरी मचा दी। ग्र आ वुफ, कोबी पर पागलपन सवार था। सरदार खंकट, तुझे अपने नाखूनों से नोच नोच कर मारूंगा मैं। कोबी नोच ही डालता उसे, लेकिन नहीं कोबी नहीं, रुक जाओ, ये खून खराबा बंद करो, ये लड़ाई बंद करो, सरदार खंकट को माफ कर दो, सबको माफ कर दो, वरना वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं, तेरी ये बात नहीं मानूंगा मसाबा, इसने तुझे जो जख्म दिए हैं उसका स्वाद मैं इसे भी चखाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना, अगर इसने पाप किया है तो इसे दंड ईश्वर देगा। जबड़े भींच कर रह गया कोबी, तूने मेरे हाथ रोक लिए मसाबा, वरना आज ये जिंदा ना बचता। अपने भेड़ियों को भी रोको कोबी, कोबी के आदेश पर थम गए भेड़िए भी। गुर्र, रुक जाओ, गुर्र गुर्र, वुफ वुफ। और तब, सरदार पांगी, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे चाहे मौत की सजा दो, लेकिन सैकड़ों बरसों से चली आ रही दुश्मनी की धूल आज इस लड़की ने मेरे मस्तिष्क से हटा दी। दुश्मनी खत्म हो गई सरदार पांगी, दुश्मनी खत्म हो गई। जब दुश्मनी ही खत्म हो गई तो सजा कैसी? जंगल में मानवता जिंदा रखने के लिए गले मिलना जरूरी है। सबके चेहरे हर्ष से दमक उठे थे, पर कोबी के चेहरे पर गुस्सा था। उफ ग्र, अरे कमबख्तो, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बुलाया था, पर तुम तब क्यों नहीं आए, और मुझे देखकर भी मेरा कहना क्यों नहीं माना? उफ ग्र, स्वामी कोबी, हमने फैसला किया था कि जब तुम प्यार से बुलाओगे तो हम फौरन आ जाएंगे, पर जब कहोगे हराम खोरो, नमक हरामो, तब नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आए और कहना नहीं माना। हराम खोरो, भागो यहां से, कू कू, स्वामी नहीं सुधरेंगे। तब कोबी, ये लो तुम्हारे आभूषण, अब मसाबा को इनकी जरूरत नहीं रही। और हाँ, जब भी मसाबा से मिलने का मन करे तो कभी भी यहां चले आना, या मसाबा को ही खेलने को ले जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। चलो कोबी, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, हाँ और देर तक खेलेंगे। तभी, सरदार पजली को बच्चा होने वाला है, मैंने कुलन को फूजो बाबा को लाने भेज दिया है, जल्दी चलो। इस बार क्या होगा? फूजो जल्दी ही आया और घोषणा की, मुबारक हो सरदार, कन्या हुई है, और वो भी एक नहीं जुड़वा, मसाबा को सहेलियां मिल गई, जुड़वा कन्या, चमत्कार, वाह। फूजो को सब कुछ पता लग गया था, भेड़िया मुसीबतें जाती हैं तो खुशियां भी अनगिनत आती हैं।
देख रहा हूं बाबा, शायद इस कबीले में एक नए युग की शुरुआत हुई है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।